नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर आपको दोहरा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी ये जो बैच है, इस बैच में सर क्या पढ़ाएंगे। बेसिकली ये जो यूपीएससी यानी कि जो आईएएस की तैयारी करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और उनको बहुत ही इकोनॉमिक्स में कन्फ्यूजन लगता है कि हम क्या पढ़ें और कहाँ पढ़ें। इसके लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है जो कि ट्यूजडे को और आपका थर्सडे को, 2 दिन 9 से 11 लाइव क्लासेज आपका होगा। उसमें आप हमसे इकोनॉमिक्स सीख सकते हैं, और साथ ही साथ इतने चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, यदि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और यदि आपको लगता है कि हमें इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नहीं बनता है, तो बेसिकली मैं आपको पहले लेक्चर बताया कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे कारण है कि आप लोग सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का बुक्स पढ़ते हैं। नहीं, आपको जो इंडियन इकोनॉमिक्स के अलावा जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा, या फिर तमिलनाडु बोर्ड को फॉलो कीजिए। तो एनसीईआरटी में जो है इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया गया है, लेकिन माइक्रो मैक्रो में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत सारे विद्यार्थियों के। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि आप तमिलनाडु बोर्ड के द्वारा जो 11th एंड 12th की बुक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर लिखी गई है, उस पुस्तक को फॉलो करें। और इस पूरे पुस्तक को हम विस्तार से आपको डिस्कस करेंगे ये जो बैचेस होगा। तो दूसरी बात है कि आपका जो एक इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी और 11th 12th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, इसके अलावा जो है कुछ पोर्शन जो है, जैसे कि आप हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आती है, तो दोनों को आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, उस पॉलिसी को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ फॉलो करना। पहला तो एक अच्छा सा न्यूज़पेपर जो आपको पसंद है, उस न्यूज़पेपर लीजिए, उस न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को दीजिए, देखिए। इसके अलावा जो है आप क्या क्या करना है, जो जर्नल मैं सजेस्ट करूँगा जो मंथली आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक है कुरुक्षेत्र, एक है योजना, दोनों पुस्तक में बहुत सारी आर्टिकल्स होती है। इस आर्टिकल को पढ़ने से गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी चलाई जा रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने के करंट अफेयर्स के अलावा आपका इकोनॉमिक्स बेहतरीन होता है। ये 4 ऑप्शन रखे मैंने, क्या क्या बताया फिर से सुनिए। 11th का इंडियन इकोनॉमी और 11th एंड 12th मिलाकर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसके अलावा क्या है, योजना और कुरुक्षेत्र का जर्नल पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, इससे आपका ठीक हो जाए। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अगर आप लेते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हर वीक में 1-2 आर्टिकल देता है, उसको अवश्य पढ़ें, उससे भी काफ़ी जानकारी आपको मिलती है। क्लियर है? तो यदि इकोनॉमिक्स को है बनाना आसान, तो आप हमसे जुड़िए। और हमसे जुड़ने के लिए मैंने पहले ही बताया कि हमारा ये जो ऐप है पंकज इकोनॉमिक सास, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप से आपको जो है क्या होगा, उस ऐप पर हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर? तो आई थिंक आप सभी को बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक्स समझाने में मेरी एक अहम भूमिका होने वाली है। तो आप हम सभी से जुड़िए, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आके आप डाउनलोड कीजिए पंकज इकोनॉमिक सार्स, वहाँ पर आपको हम विस्तार पूर्वक फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।